नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। मेरे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में, हर जगह आप लोगों ने स्पैम कर दिया था। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि एफकेट 1 2020, जिन लोगों का क्लियर हुआ है रिटर्न, उसकी एसएसबी कब से स्टार्ट होगी। ड्यू टू करोना एसएसबी पोस्टपोन हो गई थी, अब एसएसबी कैसे स्टार्ट होगी। मैंने सबको रिप्लाई किया था, तो एट अराउंड जून के मिड में मेरे को लग रहा है कि कुछ न्यूज़ आएगी, और ऐसा ही हुआ है। एक गुड न्यूज़ आई है कि एफकेट 1 2020 का जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया था, और जो एसएसबी पोस्टपोन हो गई थी ना, डेट सिलेक्शन, ठीक है, उसकी डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल डेट आ चुका है। आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, एसएसबी की डेट सिलेक्शन कब से स्टार्ट हुई है? 18 जून से 22 जून के बीच में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कितने बजे से, मतलब 18 जून तो कल ही है, मतलब कि कल सुबह 10 बजे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एफकेट सीडेक की वेबसाइट पर जाओ, जहाँ पे आपने लॉगिन किया था, ठीक है, रिटर्न जहाँ रजिस्टर किया था, उसी वेबसाइट पर जाके आप अपना एएफएसबी का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। एएफएसबी सेंटर फर्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई 2020 से, ठीक है। तो फर्स्ट जो एएफएसबी सेंटर है वो है 27 जुलाई 2020 को, जो फर्स्ट एसएसबी होगी वो होगी 27 जुलाई 2020 को। नाउ एक बहुत बड़ा डाउट है कि कुछ लोगों ने, हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी डेट्स, और दूसरों क्या था कि कुछ लोगों को सिलेक्ट करनी रह गई थी और बीच में ही उन्होंने प्रोसेस बंद कर दिया था, ठीक है, एयरफोर्स वालों ने, ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अभी क्या होगा, क्या जिन्होंने सिलेक्ट कर ली है उनको दोबारा करनी पड़ेगी? हाँ, जिन्होंने आपने सिलेक्ट कर ली थी पहले, आपको दोबारा सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सब कुछ रिफ्रेश होगा, बिकॉज डेट सारी नई आई है, ठीक है। जो उन्होंने नया शेड्यूल बनाया है इस बार एएफएसबी का, वो सारा नया है, ठीक है। तो आपको दोबारा सारी डेट सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, यस। तो अगर आपने डेट्स पहले से सिलेक्ट कर ली हैं तो भी आप दोबारा सिलेक्ट कीजिए डेट्स, ओके। चौथा क्वेश्चन जो है वो है फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड। बहुत सारे लोग, बहुत टाइम हो गया है लॉग इन किए हुए, अगर आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हो, ठीक है, तो आप फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पे जाके आपके जीमेल पे, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था, उस पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और बाकी डिटेल्स आपको डाल के एक डिफॉल्ट पासवर्ड वो लोग भेजते हैं, ठीक है, उससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोबारा उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर आप लॉग इन करके देन आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ इफ डेट्स नॉट सिलेक्टेड, आपने अगर इन 4 दिन में, अच्छा जनरली 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा टाइम दिया जाता है, लेकिन सिंस प्रोसेस थोड़ा फास्ट करना है इसलिए टाइम थोड़ा कम दिया गया है, ठीक है। तो 18 से 22 जून के बीच में अगर आप डेट सिलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, आपके पास इंटरनेट नहीं है या कुछ इश्यू हो जाता है, आप डेट सिलेक्ट नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स एएफएसबी की डेट सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनको रैंडमली डेट्स, ठीक है, प्लस वेन्यू एलोकेट हो जाता है, ठीक है। आपको कोई भी डेट, कोई भी बैच में कोई भी वेन्यू, वेन्यू इन द सेंस एएफएसबी सेंटर्स, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, ठीक है। अब मान लो आपका घर है दिल्ली, ठीक है, और आपको देहरादून सिलेक्ट करना था लेकिन आपने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है आपको वाराणसी मिल जाए या मैसूर मिल जाए, तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेस्ट थिंग इज कल ही के कल, ठीक है, 18 जून को ही आप एएफएसबी के लिए अपना सिलेक्ट कर लो सेंटर, अगर आपने एफकेट 1 2020 क्लियर किया है तो। नाउ दो तीन चीज़ें हैं, अगर आपको एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएसबी प्रिपरेशन की, ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हो। सेकंड थिंग इज, अगर आप एफकेट 2020 की भी साथ में आपको रिटर्न की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, तो आप जो डेट सिलेक्ट करोगे, ठीक है, वो डेट ऐसी सिलेक्ट करो कि वो एफकेट 2020 के रिटर्न एग्जाम के साथ क्लैश ना हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको 19th और 20th सितंबर को है, ठीक है, एफकेट का रिटर्न एग्जाम इस बार, एफकेट 2020 का, वो भी अगर आप दे रहे हो तो ये ध्यान रखो कि इसके आसपास आप ना सिलेक्ट करो तो बेटर है, ठीक है। तो आप और एल्स क्लैश हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे या इश्यूज आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में ध्यान रख के आप डेट सिलेक्ट करो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है
9380647486, ठीक है। इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई इश्यू आ रहा है तो। FKT 2020 की भी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मैं फ्री वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो या फिर FKT 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को बजा देना, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड एंड गिव दिस न्यूज़, ठीक है। तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।